पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड के बीच चौथा ओडीआई मैच जो कि 17 मई 2019 को खेला जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड के बीच होने वाले हाई वोल्टेज मुकाबला जो कि चौथे ओडीआई मैच की प्लेइंग 11 के बारे में बात करने वाले हैं कि वो कौन से पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी खेलेंगे चौथे ओडीआई मैच में इंग्लैंड के खिलाफ, जो कि काफी कुछ चेंजेस होने वाली है पाकिस्तान की टीम में। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि ये मैच कब और कहां और कौन से स्टेडियम में खेला जाएगा और ये मैच कितने बजे से स्टार्ट होगा। वही इस वीडियो में करने वाले इस मैच की मैच प्रीव्यू के बारे में, तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहे, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के स्पॉन्सर क्या है, नॉनस्टॉप प्रो ऐप ने जो कि कमाल का ऐप है पावर्ड बाय पेटीएम। आप सभी लोग बड़े आसानी से पैसे कमा सकते हैं कुछ इसी सिंपल क्वेश्चन के जवाब देकर, जैसे कि कौन सी टीम जीतेगी यह मैच, कौन सी टीम हारेगी यह मैच और कौन सी टीम कितना ज्यादा रन स्कोर करेगी। तभी इस ऐप को डाउनलोड करिए जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डाउनलोड करते ही आपको ऑलरेडी 100 रुपये बोनस में मिल जाएंगे। अब दोस्तों अगर हम बात करें सबसे पहले इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की टीम के कप्तान योन मॉर्गन के ऊपर एक मैच का बैन लग गया है जो कि स्लो ओवर रेट की वजह से, यानी कि चौथे ओडीआई मैच में नहीं खेलेंगे योन मॉर्गन। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की टीम इस टाइम पर काफी शानदार फॉर्म में चल रही है जो कि खासतौर पर उनके बल्लेबाज काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन गेंदबाजों ने काफी ज्यादा मायूस किया है जो कि काफी खराब परफॉर्मेंस रही है खासतौर पर पाकिस्तानी गेंदबाजों का। तो वही इंग्लैंड की भी गेंदबाजी इतनी ज्यादा खास नहीं है, लेकिन इंग्लैंड की बल्लेबाजी काफी ज्यादा मजबूत काफी स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे में चौथा ओडीआई मैच काफी टक्कर काफी रोमांचक का होने वाला है। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड के बीच 5 ओडीआई मैचों की सीरीज खेली जा रही है जो कि अभी तक 3 ओडीआई मैचेस खेले जा चुके हैं, जो कि पहला ओडीआई मैच रद्द हो गया था बारिश की वजह से। तो वहीं दूसरे ओडीआई मैच में इंग्लैंड टीम को जीत मिली थी, तो वहीं तीसरे ओडीआई मैच में भी इंग्लैंड टीम को जीत मिली थी, जिसके चलते इंग्लैंड की टीम 2-0 से आगे इस सीरीज में। तो ऐसे में यहां से अगर एक भी मैच जीती है इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के खिलाफ, तो ये सीरीज पर कब्जा कर लेगी इंग्लैंड क्रिकेट टीम। वहीं पाकिस्तान की टीम को इस सीरीज को बचाने के लिए बाकी बचे 2 मुकाबले लगातार जीतने होंगे। तो ऐसे में यह मुकाबला 2-2 पर बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब पाकिस्तान के लिए करो या मरो का मुकाबला रह गया है। तो गाइस बिना देरी के चलिए बात कर लेते हैं पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 के बारे में कि वो कौन से पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी खेलेंगे चौथे ओडीआई मैच में इंग्लैंड के खिलाफ। अगर हम बात करें ओपनिंग बल्लेबाज की, तो नंबर 1 पर इमामुल हक जो कि इस टाइम पर काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और पिछले मैच में काफी शानदार बल्लेबाजी की थी। वहीं अगर हम बात करें नंबर 2 की, तो नंबर 2 पर फखर जमान पाकिस्तान टीम के जबरदस्त विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज जो कि काफी अग्रेसिव बल्लेबाजी करते हैं। अगर बात की जाए नंबर 3 की, तो नंबर 3 पर बाबर आजम पाकिस्तान टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक जो कि ये वन डाउन की बैटिंग करेंगे। तो इसके बाद नंबर 4 पर उनका हारिस सोहेल जो कि ये मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी करेंगे और ये भी इस टाइम पर काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। अगर बात की जाए नंबर 5 की, तो नंबर 5 पर सरफराज अहमद पाकिस्तान टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज और कप्तान। तो इसके बाद नंबर 6 पर हार्ड हिटर यानी कि आसिफ अली जो कि इस टाइम पर ये काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और लगातार बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है इंग्लैंड के खिलाफ और इस मैच में भी इनसे काफी ज्यादा उम्मीद होगी। वहीं अगर हम बात करें नंबर 7 की, तो नंबर 7 पर इमाद वसीम पाकिस्तान टीम के बेहतरीन ऑलराउंडर। अगर बात की जाए नंबर 8 की, तो यहां पर फहीम अशरफ को इस मैच में बैठाया जा सकता है जो कि फहीम अशरफ काफी ज्यादा खराब परफॉर्मेंस कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान की टीम में एज ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हैं, लेकिन ना तो इनके पास बैटिंग है और ना ही बॉलिंग। ऐसे में इस मैच में इनकी जगह पर मोहम्मद हफीज को खिलाया जा सकता है जो कि मोहम्मद हफीज स्पिन बॉलिंग के साथ साथ जबरदस्त बल्लेबाजी भी करते हैं। वहीं अगर हम बात करें नंबर 9 की, तो नंबर 9 पर हसन अली जबकि नंबर 10 पर शाहिन शाह आफरीदी। तो इसके बाद नंबर 11 पर जुनैद खान। दोस्तों ये रही पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 चौथे ओडीआई मैच के लिए। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार अपने राय जरूर दें। आपके हिसाब से कौन सी टीम जीतेगी चौथा ओडीआई मैच और वो कौन से पाकिस्तान टीम के 11 खिलाड़ी खेलने चाहिए।